अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं हरीरा। इसको अछवानी भी बोलते हैं, इसको पत भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये चौथाई कप, तो ये सब चौथाई चौथाई कप लिया है। ये मगज़ हैं सारे, ये काजू हैं चौथाई कप, इतने ही बादाम हैं। ये सब मैंने एक मेज़रमेंट के हिसाब से, इतना ही नारियल है चौथाई कप, लेकिन ये वज़न में ये दो कटोरी हैं इसमें मखाने, क्योंकि वज़न में ये इतने बैठ रहे हैं। ये 200 ग्राम है शक्कर, गुड़, वैसा गुड़ भी आप नॉर्मल ले सकते हैं, मेरे पास ये शक्कर थी। और ये मेरे पास एक चम्मच है ये सौंठ, एक चम्मच अजवाइन और क्वार्टर चम्मच है ये दखनी मिर्च मेरे पास। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। वैसे ये न्यू मॉम जो बनती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसे कोई भी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जिन लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पेट में तकलीफ रहती, ब्लीडिंग का नहीं होती है, कम होती है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह बना के रख लें, खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने एक कढ़ाई रख दी है, और इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा अब थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके इसमें हम एक से डेढ़ चम्मच ये देसी घी डालते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा है, हम पत बना रहे हैं, हरीरा बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घी डालना है। घी भी एक लिमिट में डालना है कि ये नहीं, कोई भी इंसान इसको खा सकता है। बहुत घी ना तो कोई सेकी है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा सेहत आपकी बढ़िया कर देगा। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी गर्म होते ही, इसको बहुत ज़्यादा तो खौलाना नहीं है, गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम बिस्मिल्लाह करके अपने मखाने डालते हैं। मखानों में थोड़ा सा टाइम लगता है भुनने में, तो पहले हम मखाने डालते हैं। गैस को थोड़े से करते हुए तेज सबसे पहले मखाने डाल रहे हैं। देखिए अच्छे से हमारे भुन गए हैं, और सारा ऑयल घी भी हमारा सब इसमें, क्योंकि इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लग सकता है कि ये सारे अच्छे से हमारे मखाने भुन गए हैं। इसको हम कम ही घी में बनाना है, अगर आपको पता मर्जी है। अगर आपको देखो बहुत ज़्यादा घी खाना है, मैं तो आपसे नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा घी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन आपको खाना है तो आप अपने सामने भी डाल के खा लें, लेकिन सारे में इतना ज़्यादा डाल के ना बनाएं, ताकि और भी कोई फैमिली मेम्बर खाने लगे तो उसको भी परेशानी हो। अगर आपको ज़्यादा भैया घी पसंद है तो आप अपने सामने डाल के खा लें। तो ये गरम गरम ही खाई जाती है, और इसको एक बार में ही बस एक लिमिट में बना के रखें। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बना लिया, कि ये ताज़ा ही अच्छा लगता है सब कुछ। आप हम आपको आज दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने बादाम डाले हैं, बादामों को थोड़ा सा भूनेंगे, इसी में काजू भी डाल देंगे, काजू को भूनेंगे। इसे हमारे काजू और बादाम अच्छे से भुन गए हैं, तो हमने सारे मगज़ इसमें डाले दे रहे। देखिए मगज़ अगर आपके पास पहले से रखे हुए हैं तो मगज़ ना आपने साफ़ करके रख लें, क्योंकि कई बार ना उसमें कीड़े हो जाते हैं, सुरहरी टाइप जो होती हैं वो हो जाती हैं। देखिए मगज़ भी हमारे अच्छे से चटकने लगे हैं। मेन पता तभी चलता मगज़ का कि वो चटकने लगते हैं। अच्छा, हमने किशमिश ये नहीं दिखाई थी, आप मुनक्के भी डाल सकते हैं, हमारे पास किशमिश थी, तो हम ये आधा कटोरी किशमिश भी डाल रहे हैं इसमें साथ। किशमिशों को भूनेंगे इसके साथ। आपको आवाज आ रही ना कि किस तरह से ये चटकने लगे। देखिए हमारी किशमिशें भी अच्छी फूल फूल के मोटी हो गई हैं। अब हम नारियल भी अपना डाल दे रहे हैं। वैसे हमने ये कद्दूकस थोड़ा से बारीक वाले की साइड से कर लिया था, आप चाहें तो मोटा मोटा भी कर सकते हैं, तो इसको चबाने में जो मज़ा आता है ना खाने में, इसको भूनेंगे अच्छे से थोड़ा सा नारियल का कलर चेंज होने का। इसको भी भूनते हैं कलर चेंज होने तक। देखिए हमारी किशमिशें भी कितनी मोटी मोटी हो गई हैं फूल के। आप इनकी जगह मुनक्के भी डाल सकते हैं, वो भी तो बहुत अच्छे हैं, पर हैं सब एक ही खानदान के, मुनक्के डाल दो चाहे किशमिश,
मखाने फिर से और डाले दे रही हूँ और सबको देखिए हमारा सब अच्छे से भुन गया है और हमने गैस को बंद कर दिया है और इसको थोड़ा ठंडा होते हैं और इसको निकालते हैं। ये हमारा ड्राई फ्रूट सारे भुन गए हैं और हमने फिर से गैस को रखा है, गैस पे कढ़ाई को रखा है और उसमें फिर हम एक स्पून घी डाल रहे हैं। घी हमारा जैसे थोड़ा सा मेल्ट होता है इसमें हम दो हरी इलायची डाल रहे हैं ऐसे छिलकों के समीप ही। आप डालें चाहे तो आप इसका सिर्फ वो ही निकाल के डालें। दो इलायची डाल रहे हैं, इसको थोड़ा भूनते हैं इसके साथ खुशबू इसमें आने तक। हमने देखिए सारे ज़्यादा बर्तन नहीं चेंज करें, एक ही बर्तन में हमने सब कुछ कर दिया है। अब इसमें हमारा ये जो 200 ग्राम हमारी ये थी शक्कर ये डाल रहे हैं हम इसमें और इसमें हम थोड़ा सा डबल इसको पानी डालेंगे। इसको चलाते हैं मेल्ट होने तक, थोड़ा सा पानी और इसमें डालते हैं। ये थोड़ी पतली सी ही अच्छी लगती है, गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। अब इसको चलाएंगे जब तक कि हमारा ये शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। देखिए हमारे अच्छा सा बॉयल इसमें आने लगा है तो हम अपना सौंठ अजवाइन और दखनी मिर्च हम इसमें डाले दे रहे हैं कि दखनी मिर्च से ना थोड़ा जो लोग मीठा कम खाते हैं थोड़ा एक मुंह भी नहीं मारेगा और दखनी मिर्च तो बहुत ही अच्छी जो न्यू मॉम होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये नुस्खा है इतना शानदार कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसको इतना बॉयल हो रहा है इतनी दूसरी तरफ हम दिखाते हैं अपने ड्राई फ्रूट को किस तरह। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं इनको हम इस तरह से हमने ये ना दो हिस्सों में बांट लिया है क्यों हमें अगर हमें फिर से बनाओगे एक बार के लिए तो हमारा इतना ड्राई फ्रूट सफिशिएंट रहेगा और जितना हम बना रहे हैं आप देख लीजिएगा कितना बना रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये ना थोड़े मोटे मोटे के अच्छे लगेंगे लेकिन फिर भी बादाम वगैरह हैं ये साबुत चाबने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो इनको बादाम है काजू हैं इनको थोड़ा थोड़ा तोड़े लेते हैं और ये उठा के रख देंगे ये दूसरी बार बनाएंगे उसमें काम आ जाएगी। आपको इजी रहेगा आप तल के रख लें इस तरीके से इसको ठंडा करके एयर टाइट में रख लें और जब भी आपको बनाना हो फटाफट बस आप गुड़ का इस तरह से पकाएं और ड्राई फ्रूट डालें। तो बस मैं इसको बस पूरा तोड़ती हूँ और फिर दिखाती हूँ। देख लीजिए हमने सब बिल्कुल अच्छे से सारा ड्राई फ्रूट कुछ साबुत रहने दिए और कुछ हमने इनको तोड़ दिया है और ये हमने बचा के रख लिया है। ये हम एयर टाइट में भर के नेक्स्ट जब बनाएंगे उसके लिए रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी पत कितनी अभी पकी है। देखिए अभी हम इसको फुल गैस कर रहे हैं और इसका शक्कर तो मेल्ट हो गई है सारी। अगर आपके पास साबुत गुड़ है तब भी उससे आप ऐसे ही बना सकते हो। मेरे पास ये शक्कर थी इस तरह से देसी शक्कर थी ये भी यूपी से आई थी। देखिए ये अच्छे से इससे जैसे ये ना पिया जाता है तो ये बहुत गाढ़ा ज़्यादा होता नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा इसमें बॉयल आ गया है। अब हम अपना इसमें ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं अपना। ड्राई फ्रूट डाल के और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी एक दो बॉयल इसमें लगाते हैं। कि ये पतला पतला ये बहुत ही फायदे का एक नुस्खा है। देखिए बहुत ये बुजुर्गों का नुस्खा है। हम तो खैर हमारी औकात क्या है कि हम ये चीज बना सकें। ये दादी परदादियों के नुस्खे हैं कि जिनको पीरियड्स में ब्लड भी कम आता है जिनको पेट में बहुत दर्द रहता है जिनके कमर में बहुत दर्द रहता है वो भी इस तरह से बना के पिए बहुत ही फायदे का और जो नई मदर है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा पेट की सफाई होगी उनकी और उनके कमर में जो दर्द हो रहा रुका हुआ जो ब्लड है वो भी उनका भी सारा वो क्लियर हो जाएगा। बस जी इसको बंद करते हैं बस गैस को और सर्व करते हैं। और आप
देखिए जी हमारी पत बन के तैयार हो गई है। और देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये थोड़े पतली ही रखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। और एक बंदे को वैसे अगर जो खाना चाहे, देखिए बहुत ज़्यादा तो इसको बहुत पेट भर के तो खाई नहीं जाती है, लेकिन ये इतनी बेस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वैसे अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और देखिए बाकी बचे हमारे ड्राई फ्रूट्स, उनको हम एयर टाइट में करके इस तरह से, और ये आप 15 दिन या जो भी, खैर ये तो एक ही बार का बचा है हमारे पास, एक ही बार फिर बनाएंगे तो सेकंड टाइम तो इस तरह से, तो आप इसी तरह बनाइए, खिलाइए घर वालों को, खिलाइए और इंजॉय कीजिए। और कमेंट्स करके मुझे बताइए मैंने बनाई तो ये आप लोगों को कैसी लगी। जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर मेरी माएँ बहनें हैं और मुझसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस हैं, तो वो मुझे प्लीज़ बताएं, अगर इसमें कुछ कमी हो तो वो भी मैं पूरा करूँगी इंशाल्लाह। और बस इस तरह लें और बिस्मिल्लाह करके गरम गरम खाएं। देखिए बहुत मज़े की, ताकत का खजाना है। सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, वैसे तो हर मौसम में ये न्यू मॉम के लिए या जिन लोग कमर में दर्द, सबके लिए बहुत ही बेस्ट फार्मूला है ताकत का खजाना। तो हरीरा भी बोलते हैं, पत बोलते हैं इसको, पंजीरी भी बोलते हैं, हर स्टेट चेंज होती है, जब भाषा चेंज होती है उसी तरह इसका बोलने का बताने का तरीका भी अलग है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा एंड शेयर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।